हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बच्चों आ जाओ जल्दी से। जैसे जानते हो आपकी क्लास हर रोज़ चलती है, इतना ही टाइम यानी रात्रि 9 बजे से बिल्कुल फ्री क्लास होती है। तो आप सभी समय याद रखें और अपने समय पर जुड़ जाएँ। जो बच्चे बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो मिनट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, हम दो मिनट इंतज़ार करेंगे और बच्चों के जुड़ने का, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, शुरू करेंगे। तब तक आप लोग कॉपी पेन ले लो, और कोई भी जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो कॉपी पेन ले कर आ जाएँ, क्योंकि बिना कॉपी पेन के क्लास नहीं होगी ये, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बसा लो भाई कि बिना कॉपी पेन के ये क्लास नहीं चलेगी। और जो जो कॉपी पेन नहीं लिए जल्दी बताओ कौन कौन। अनंत पांडे, प्रतिमा चौधरी, नीलेश राणा, आशीष कुमार, अंकिता सिंह, बताइए आप में से जिनके पास भी कॉपी पेन नहीं है जल्दी से बता दो किसके पास नहीं है, और जाके चुपचाप ले आओ। हम लोग एक मिनट इंतज़ार करेंगे और बच्चे जुड़ जाएं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसके बाद आगे चलेंगे। जिनको पढ़ना है वो इंतज़ार करेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो जाएँ। हाँ, जिनको पढ़ना वो एक मिनट इंतज़ार करेंगे सभी बच्चों के आने का। और तब तक बहुत से छात्र जुड़ चुके हैं, जैसे रोहित कुमार भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को। आप जल्दी से शेयर कर दो ना यार क्लास को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस में लिंक लगा दीजिए, इसको आप करिए फट से, आपके पास दो मिनट का टाइम है भाई। निवेदन है आप सभी इसको ज़रूर करिए। शशि जी भी जुड़ चुके हैं और कुछ नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं मुझे लग रहा है, तो लगभग दो मिनट होने वाला है। हाँ तो भाई ठीक है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। इंतज़ार हम दो मिनट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जो वो भी आ जाएं, जिनके पास कॉपी पेन नहीं जो लाने गए वो भी ले आएँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। पूरे 45 मिनट की क्लास चलेगी, तो इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी आ जाओ तब, ठीक ना। आ जाओ सभी, तब फिर हम आगे चलते हैं। भाई संख्या नहीं जुड़ रही है, मज़ा नहीं आ रही, क्या बात है। हो गया, आगे चलें। चलो ये बताओ कल कहाँ तक पढ़े थे, कल कहाँ तक पढ़े थे। कल हम लोग पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण ना। चलो, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, संक्रियाओं के प्रगुण हेडिंग डालो जल्दी से। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, शुरू किया था ना, ये मुख्य हेडिंग थी भाई, तो ये मुख्य हेडिंग आप डाल लो। उसके बाद नीचे इसमें एक हेडिंग थी पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, इसमें ए नंबर, जो बच्चे नहीं लिखे थे ऐसे लिख लो, और जो लिखे थे वो ना लिखें, ठीक है, जो कल लिखे थे वो रहने दें। पूर्ण संख्याओं पर क्या था, योग के प्रगुण, तो ये तो डालना पड़ेगा हेडिंग, क्योंकि इसमें से कल कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एक ही हुआ था। हाँ जल्दी लिखो भाई, लिखना शुरू करो, खाली हाथ बैठो मत, तमाशा मत देखो, लिखो अगर अच्छे से पढ़ना है, खाली हाथ देखने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये मुख्य हेडिंग थी, इसमें का पहला पार्ट था, मतलब समझो जैसे जैसे हो रहा वैसे वैसे लिखते चलो, ठीक है। अमरजीत जी कमेंट आ रहा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फीलिंग मत भेजो, इस वजह से नहीं आ रहा है। योग का संवरक नियम कल मैं बताया था, आप लोग बताओ, योग का संवरक नियम कल मैं बताया था, आप लोग मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ सभी, जल्दी करो। चलो शालिनी रंजन, अमरीश राणा, यादव जी भी जुड़ गए हैं। भाई आपने अपना नाम नहीं बताया, ओनली यादव ही आता आपका कमेंट, तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, आप अपना नाम भी बताइए ना। बताओ कल मैंने इसको बताया था योग का संवरक नियम, किसको किसको पता है जल्दी बोलो, बोलो किसी को पता है। देखो कल मैंने आपको बताया था भाई साहब, सभी को बताया था प्रिय साथियों, योग का जो संवरक नियम होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं
तो उसका योगफल भी एक पूर्ण संख्या होती है, होती कि नहीं? किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। अंशिका सिंह समझ में आ रहा है? अनिल वर्मा, बीना सिंह, राघवेंद्र सिंह आ रहा है ना? तो इसके अंतर्गत यही मैंने बताया था कि किन्हीं अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी क्या आता है, एक पूर्ण संख्या आती है। ये था पहला नियम, कल हम इसको पढ़ लिए थे। मार्कर में हम थोड़ा इंक और डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे बने रहना, ठीक है ना बाबू? तो जाना नहीं कहीं। चलो मार्कर में थोड़ा सा और इंक डालते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाना, मार्कर में थोड़ा सा और इंक डाल दें जिससे खूब अच्छा से चले और आपको एकदम क्लियरिटी दिखाई दे। सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर करना, और जो नए छात्र जुड़े हैं भाई लाइक करो जल्दी से, ऐसे मज़ा नहीं आती। क्लास पूरे एक घंटा हम पढ़ाते हैं तो बच्चे नहीं होते तो मज़ा नहीं आती बिल्कुल। कितना बूंद मैंने स्याही भरा कोई गिन सकता है? मतलब जिनको गिनती नहीं आती वो तो गिन सकते ना। पुष्पा वर्मा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा भाई, ये भर गया यार, मतलब मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाती है। इंटरनेट जिसका नहीं चल रहा उसका नहीं चलेगा, अपना इंटरनेट आप सही करिए। ये पूरा फुल हो गया, बह रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, इसको मैं इसमें पलटता हूँ। ये जहाँ लग जाता छूटता भी नहीं, मुसीबत ये है। तो कोई जाएगा नहीं, नहीं तो ये सोचो यहाँ पे तमाशा हो रहा है, भाग जाओ, जाना मत। हेडिंग डालो, इतना करो, उसके बाद एक एग्जांपल बताओ कोई भी। ये इसका कोई एग्जांपल बताएगा, एक कोई एक उदाहरण बताएगा नया भाई? सब में भर जा रहा है, चलो ठीक है, अच्छा है। इसका कोई एक उदाहरण बताएगा, चलिए लिखिए। देखिए इसमें जब ज़्यादा स्याही होती है ना, वैसे तो लोग नॉर्मली 4-5 बूंद स्याही डालते हैं बस, लेकिन हम इसमें इतना इंक डालते हैं कि हमेशा बहता रहे, जिससे एकदम क्लियर दिखे आपको, इसीलिए। बाकी ये स्याही बहुत महंगा मिलता भाई, ये 200 रुपये का 100 ml मिलता है, इतना बड़ा 200 रुपये का मिलता है। लेकिन आपको तो अच्छा दिखाना है, आप डिजिटल बोर्ड अगर नहीं लगा सकते हैं तो डिजिटल बोर्ड के बदले कम से कम यहीं से तो दिखे। चलिए, हिना अंसारी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा काम है तो हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग रहते हो लाइव में ना तो बात अच्छी रहती है। चलिए, तो ये हो गया पहला नियम, आप लोगों ने देख लिया था। आप लोग अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा योग का क्रम विनिमय नियम लिखिए। योग का क्रम विनिमय नियम, चलिए ठीक है, आ रहा सही ना, क्लियर आ रहा है यार, आ रहा है ना? देखो लाइट थोड़ा आ रही जा रही है, आप भागना मत, ठीक ना? लाइट आ रही ना मत, कमेंट करो फटाफट। सभी बच्चे, कोई जाएगा नहीं, जाएगा नहीं भाई, क्लियर है ना? देखो लाइट चली गई है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जाना मत। चलो, योग का कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम, हाँ इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्रम विनिमय नियम। देखिए बच्चों, ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, आप लोग हेडिंग लिख लिए ना, चलो लिखो। देखो, पूर्ण संख्याओं में अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं, पहले समझ लो फिर लिखना। पूर्ण संख्याओं में अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 3 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ, 10, ये 10 होता है ना। और अगर इनका क्रम हम बदल देते हैं, अगर इनका क्रम हम बदल दें तो क्या होता है, क्या कोई बदलाव होता है, बोलो? क्रम बदलने से, सीरियल बदलने से कोई बदलाव होता है? नहीं ना, यानी 3 और 7 10 होता है। अगर 7 को पहले कर दें, 3 को बाद में कर दें, तब भी क्या होगा, 10 होगा। मतलब दोनों कंडीशन में बराबर है ना, दोनों कंडीशन में बराबर है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है। लिखो इसके नीचे स्पष्टीकरण, लिख लो, दो पूर्ण संख्याओं का योग
क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है, इतना लिख लिए। अतः अतः पूर्ण संख्याओं के योग का पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अतः पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करने का मतलब अगर 3 में 7 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में और ये इसको पलट दिया, 7 पहले 3 बाद में, उल्टा कर दिया आगे का पीछे, पीछे का आगे, तब भी क्या हो रहा, 10 ही हो रहा है। यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। लिख लो आप सभी, इसको लिख लो, क्लियर है ना इतना? थोड़ा सा लाइट सामने से आ रही ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये कंप्यूटर लाइट की लाइट आ रही है लैपटॉप की। अब हो गई ना क्लियर? चलो अब नहीं आ रही ना, बदला कुछ कि नहीं? चलो ये हो गया। अब तीसरा हेडिंग लिखो आप सभी, आप सभी तीसरा हेडिंग लिखो। रूबी, अवि, रेनू यादव, संदीप जी, देखो कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? ये दो हो गया, तीसरा लिखो, तीसरा हेडिंग लिखो। इसको एक सिस्टम से अगर नोट्स बनाना है तो अच्छे से लिखो। योग का तत्समक अवयव, क्या लिखोगे? योग का तत्समक अवयव लिखो, तीसरा लिखो, योग का तत्समक अवयव, मतलब एक प्रकार से जान लो ये तत्समक नियम है इसमें का। भाई ये कई अलग अलग हैं, हाँ एक बार बोल दीजिए, मैंने बोल तो दिया, थोड़ा वीडियो पीछे करके सुन लीजिए सोनम शुक्ला जी, अगर आपने नहीं लिखा तो। योग का तत्समक अवयव, देखो तत्समक अवयव वो होता है जिसको किसी संख्या में जोड़ा जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसी कोई नंबर है जो आप जानते हो बताओ? ऐसी कोई नंबर है, ऐसी कोई संख्या है जिसको हम किसी में भी जोड़ दें लेकिन उस पर कोई फर्क ना पड़े, है ऐसा कोई? आप सभी को पता है ना, है ना? देखो वो क्या है, अगर हम 7 में 0 को जोड़ें आपको पता है हमेशा 7 ही आएगा, आएगा ना? लेकिन अगर हम 0 में 3 को जोड़ें तब भी क्या आएगा भाई? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा, बिल्कुल सही। सबसे पहले जवाब दिया था अनिल वर्मा ने, 0, बिल्कुल सही। पूजा कुमारी का भी सही है, संदीप यादव, सविता सालनी, संध्या, अनंत, सबका सही है। मतलब वो क्या है? 0 है। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब हम योग करते हैं 0 का 7 में तो उतना ही आता है, 0 में 3 जोड़ते तब भी उतना आता है। यानी हम किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वही आएगा, आप लिखो नीचे। इसी कारण 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, नीचे लिखो। इसी कारण 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। हो गया ना इतना? ये भी हो गया। अब इसमें अगला हेडिंग डालो आप लोग, योग का सहचर्य प्रगुण। देखो ये सब आपको आना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपके परीक्षा में एक ही नंबर में मान लो पूछ लिया गया कि योग का तत्समक अवयव बताइए, तो योग का तत्समक अवयव सिर्फ 0 है, याद रखना। योग का तत्समक अवयव 0 है और गुणन का तत्समक अवयव 1 है। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, यहाँ साइड में समझ लो, लिखना मत इसको, इसको लिखना मत लेकिन याद रखना। देखो अगर हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करें तो हमेशा क्या आता, वही संख्या आती है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करें तो हमेशा वही संख्या आती है। तो तत्समक अवयव का मतलब यही होता है कि अगर उसको उस नंबर पे अप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आप यहाँ पर मान लो लिख लो 171, 171 में 1 का गुणा करो, 171 ही आएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 को क्या कहते हैं, 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं और 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अभी आगे गुणन वाला इसमें लिखोगे तो आएगा, वो भी आएगा तो देख लेना, लेकिन अभी पहले उसको समझ लो याद करने के लिए, ठीक है? आया समझ में ना? आशुतोष त्रिपाठी जी बताइए, आप काहली अनंत के पीछे पड़े हो भाई हाथ धो के। हाँ आगे लिखो अगला, योग का सहचर्य प्रगुण, नीचे दिख रहा है ना? योग का सहचर्य प्रगुण अगला हेडिंग देखो, सभी लिखो तभी समझ में आएगा। योग का सहचर्य प्रगुण, लिख लिए, योग का सहचर्य प्रगुण।
अब देखो इसमें समझो, योग के साहचर्य प्रगुण में समझो क्या समझना है, वो समझने वाली चीज सुनो बच्चों। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, लेकिन आप लोग याद कहाँ रखते हो, जरूरी चीजें तो याद नहीं रखते हो ना, ये भी मिट गया बिना मतलब के। लिखो आप लोग, अभी कुछ मत लिखो, जैसे मैं हेडिंग डाला हूँ वही लिख लो बस, ये नहीं मिटाना था, ये मुख्य हेडिंग है। इसमें का जो पार्ट है मैं मिटाऊंगा, आप लोग इन्हें लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो पीछे करके देखिए। देखिए इसको मैंने ए से डाला है, इसको III III रोमन अंक में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आप समझना, अंतर समझना सब में। अब मैं ऊपर इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा, इसलिए मैं जगह बना रहा हूँ। हाँ देखो ऊपर इसका एग्जाम्पल समझाना, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर भाई टाइम दोगे समझोगे तभी मज़ा आएगा। और हाँ आप लोगों को मैंने कहा नहीं तो आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो भाई जल्दी करो यार, लाइक कर दो सभी बच्चे, आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है ना, आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक करिए, देर मत करिए। देखो यार ये आपको बिना कहे कर देना चाहिए, लेकिन हमें कहना पड़े, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जल्दी करिए सभी बच्चे। चलो योग का साहचर्य प्रगुण, अब साहचर्य प्रगुण में जैसे मान लो मैं 3 नंबर लेता हूँ, 2 3 4, क्या 2 3 4, तो यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे करें, 2 धन ये, 3 धन 4, आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। और अगर नीचे वाले में हम क्या करें, इधर 2 धन 3 और इधर क्या करें, 3 धन 4, लेकिन ये धन तो नहीं होगा इसमें कि सही है। हाँ ठीक है, अब आप लोगों को कुछ अंतर समझ में आ रहा है, कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या, इसमें डिफरेंस होगा क्या, इन सभी के मान में अंतर होगा, बोलो यस या नो। आप लोग इनको तो हल कर सकते हो ना भाई साहब, देखो लाइट भी तेज हो गई लग रहा है, बताओ इनके मान में अंतर होगा क्या, ट्राई करके देखो और फिर बताना मुझे। चलो जल्दी करो, जैसे अब इसमें मैं थोड़ा सा अंतर कर दूं, 2+ और 3+4, देखो 2+3+4 तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप यहाँ पर देखो अगर हल करके देखो, इन सबके मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं होगा भैया, कुछ भी अंतर नहीं होगा, ट्राई करके देख लो। इनको जोड़ोगे 4 3 7 2 9, इनको जोड़ोगे 9, मतलब ये दोनों बराबर हैं, बराबर है ना, यानी हम कह सकते हैं 2+3+4=2+3 और ये प्लस का 4, बोलो है ना सही है, यस या नो, हो सकता ना इक्वल। तो आप लोग इनको लिखो, मैं इनके पीछे का तर्क बता रहा हूँ, अभी समझना क्या है आपको, लिखना क्या है, इसका बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं वो चीज़ आपको क्लियर करूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, देखो बस। चलो लिखिए आप सभी, लिखो इसके नीचे स्पष्टीकरण लिखो, योग का साहचर्य प्रगुण, जिसका मैं इधर कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, कंसेप्ट समझा दिया हूँ ना, कि अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं, उनका सीरियल बदल बदल के अगर उनको हम जोड़ते हैं, जैसे इधर देखो 3 में 4 जोड़ा था और फिर 2 को अलग से जोड़ा था, इधर 2 में 3 जोड़ा था, 4 को अलग से जोड़ा था, दोनों कंडीशन में बराबर है ना, तो आप लिखो इनका स्पष्टीकरण लिखो, इस प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में, इस प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद, किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद उसमें 3री संख्या का योग करने पर, उसमें 3री संख्या का योग करने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अगर आप सुन नहीं पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, धीमे लिखते हो, तो वीडियो को ऐसे स्क्रीन पर टच करके 10 सेकंड पीछे कर लो, फिर से आप सुन लोगे बात, समझ में आ रही ना। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे स्पीड में, वैसे तो हमारी कोशिश में धीरे बोलता हूँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को स्क्रीन पर बैक कर लो, थोड़ा सा बैक हो जाएगा लाइव में। हाँ लाइव में यही खासियत है, आप आगे तो नहीं भगा सकते हो, मैं जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहीं तक देख पाओगे, लेकिन आप पीछे जरूर कर सकते हो, तो आप चाहो तो वीडियो पीछे कर लो थोड़ा सा। ये बताओ सभी लिख लिए कि नहीं, किसी का छूटा,
किसी का छूटा नहीं छूटा, मुझे पता है सब लिख लिए, चलो आ गया। अब ये इस तरह से जो योग का प्रगुण था बच्चा वो पूरा हो गया भैया, योग का प्रगुण पूरा हो गया। अब लिखो घटाने का प्रगुण, हाँ। अब इसको बी डाल दो, जो ए डाले थे इसको बी डाल दो। अब ये सारे प्रगुण इसमें भी हम सीखेंगे, किसमें, इसमें भी सीखेंगे, सभी लिख लिए ना इसका मतलब। चलिए अब इसमें बी नंबर डालो भाई, ये बी डाल लो, पहले ए डाले थे जब योग का प्रगुण था तो ए डाले थे इस पर, अब क्या है घटाने के प्रगुण, घटाने, योग मतलब जोड़ने का था, अब घटाने के प्रगुण में बी नंबर डालो, हो गया। चलो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट मतलब रोमन अंक में एक लिखो, मैंने रोमन अंक बहुत अच्छे से आपको समझाया फर्स्ट सेमेस्टर में, ये एक है ये दो है ऐसे ऐसे बताया ना, रोमन अंक में वन लिखो। चलो हेडिंग डालो जल्दी से, हाँ। अब इसमें लिखो संवरक प्रगुण, भैया ये बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक है ये, मानता नहीं कुछ भी, घटाने का संवरक प्रगुण ये तो खतरनाक है ही नहीं मानता, लेकिन आप लोग इससे ज़्यादा खतरनाक हैं। मैंने तीन बार कहा प्रिय साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, लेकिन आधे बच्चे अभी क्लास को लाइक नहीं किए, वो सोच रहे हैं हो सकता है दो तीन बार बोल के फिर नहीं बोलेंगे, यार मतलब एकदम निर्लज्ज ना हो जाओ भाई, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए हम यहाँ पर आपको कोशिश कर रहे हैं, फ्री क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप क्लास को नहीं शेयर किए तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो ना, इसके लिए सिर्फ आपको एक बटन टच करना है, लेकिन उतना भी नहीं कर रहे हो। अभी आधे बच्चे नहीं किए 50%, और आधे कर दिए आते ही कर देते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सबसे अच्छे वो जैसे आते तुरंत कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम बार बार चिल्लाते हैं बीच में, मतलब टाइम सबका वेस्ट होता है, जो किए हैं उनका भी समय बर्बाद होता है, जो नहीं किए उनका भी होता है, तो भाई काहे ऐसा करते हो। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और उसको कर दीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। घटाने का संवरक प्रगुण, देखिए अब ध्यान देना, इधर समझने की कोशिश करना, जो मैंने बताया उसको तो कर दो, लेकिन जल्दी से, टाइम है आपके पास, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, चलो जल्दी करो, पढ़ा नहीं रहा हूँ, जल्दी करो। हो गया, अभी भी कुछ बचे हैं सोच रहे हैं कि ना बोलें तो ठीक है, चलो जाने दो क्या बोलें। यहाँ पर आप एक बात समझना, ये है, हो गया ना बात समझ में आया। अब यहाँ देखो इसको समझो, अब चलो जो कर दिए ठीक है अच्छी बात है, ये बताओ ये दोनों मान बराबर हैं क्या, यस या नो, दोनों मान बराबर हैं क्या। अंजलि पाल बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आते ही लाइक करती हैं, नेहा प्रजापति, यादव यादव जी, संध्या कुमारी और शालिनी ने उत्तर भी बता दिया, राघवेंद्र, अनंत, नेहा प्रजापति, देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक होल नंबर है, क्या है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रिय साथियों ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है, किस में है ये माइनस में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो आप नीचे क्या लिखोगे, स्पष्टीकरण में नीचे लिखो, नीचे लिखो, अर्थात यहाँ लिखो, लिखो मतलब हाथ से पकड़ के लिखो, पेन लिखो, अर्थात अर्थात इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं लिख पाएंगे, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे यहाँ देख लो दो पूर्ण संख्या, इनको मैंने घटाया है तो इनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, अगर आप बड़ी संख्या से छोटी घटाओगे तब तो पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर आपने छोटी से बड़ी घटाने की जरूरत किया तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, लिख लिए, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे नीचे लिखो, इसलिए घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, इसलिए घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, इसलिए
घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई ऐसा भी है स्टूडेंट जो हमारी बात को नहीं लिख पा रहा हो? मतलब मैं जल्दी बोल दे रहा हूँ, हाँ है कोई ऐसा जो नहीं लिख पा रहा हो, मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ और मनी मन गरिया रहा हो, बताओ कौन है? भाई मैं कई बार बोलता हूँ और ये भी बताता हूँ, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, घटाने का क्रम विनिमीय प्रगुण। लिख पा रहे हैं सभी? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब लिखो घटाने का, देखो रफ में लिखा करो, जो लोग कुछ काफी वाफी अलग से बना रहे हो अगर अच्छे से तो वो रफ में लिखा करें, और बाद में आप फिर से कर लिया करो, रिवाइज हो जाएगा, काम में आएगा। बाकी जो लोग एक बार में नोट्स बना लेता वाला ना, वो कभी उसको पढ़ते नहीं है, उसको रख के अगरबत्ती जलाते हैं बस, अगरबत्ती जलाने से नहीं आता है, बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कभी कभी अगर आपने देखा होगा, आप ढेर सारी बुक ले आइए अच्छी अच्छी, पेपर कभी कभी होने वाला लगता है, तो पेपर होने के बाद उसको खोलो तो कहीं कहीं दो पेज एक में जुड़े रहते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बच्चा ये पेज खोला ही नहीं था। तो इसलिए क्या करना है आपको, ऐसा नहीं करना है, मतलब नोट्स बना के रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर उसको पढ़ रहे हो आप फाड़, मतलब ये समझ लो जिसका नोट्स जितना फटा हो, जिसकी किताब जितनी फटी हो, जान लो उतना ज़्यादा पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि फाड़ दो, मतलब अगर भाई यूज करेगा तो फटेगा, कुछ ना कुछ होगा, जो ऐसे सेफ बचा के रखे रहेगा उसका कहाँ फटेगा, है ना। चलिए घटाने का क्रम विनिमीय प्रगुण लिख लिए। चलो ये इस पे भी लागू नहीं होता, देखो यहाँ पर क्रम विनिमीय प्रगुण, क्रम बदलने वाला, ध्यान दो आप लोग। जैसे तीन में से आप भाई चल का नहीं रहे हो यार, इतनी स्याही भर दिए बह रहे हो फिर भी नहीं चल रहे हो, ध्यान दो आप लोग यहाँ पे। क्रम विनिमीय प्रगुण में जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि तीन में से पांच घटाओ, तो आपको पता है माइनस दो आएगा, बोलो आएगा ना, माइनस दो आएगा। लेकिन अगर इसमें मैं सीरियल पलट दूं तो क्या होगा भाई, सीरियल पलट दूं मतलब मैं पांच में से तीन घटा दूं तो क्या आएगा, दो आएगा। बोलो दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है नहीं ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी दोनों क्या है, बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है ना, नहीं है ना। तो क्या कह सकते हो आप, नीचे लिखो अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमीय नियम लागू नहीं होता है, अर्थात अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमीय नियम लागू नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, कमेंट का रिप्लाई तो कर रहे हो आप लोग बहुत तेजी के साथ, हाँ मुझे एक बात बताओ, आप लोग कैसे पढ़ते हो, मोबाइल ऐसे करके पढ़ रहे हो सीधा करके? जो बच्चे सीधा करके पढ़ रहे हैं वो लोग ए लिख के कमेंट करें जल्दी से, और जो बच्चे मोबाइल को ऐसे करके पढ़ रहे हैं मतलब पूरा फुल स्क्रीन में देख रहे हैं, देखो एक खा देता हूँ, पूरा फुल स्क्रीन में देख रहे हैं वो लोग बी लिख के कमेंट करें, आप लोग कैसे पढ़ते हो, मतलब अगर मोबाइल को घुमाओगे तो ये पूरा स्क्रीन में दिखेगा, कैसे पढ़ते हो भाई आप लोग, पूरा स्क्रीन में ऐसे या फिर? हाँ जिनको कम दिखता है, कम समझ में आता है, वो ऐसे करके पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, कमेंट को हाइड कर देंगे, वो कमेंट भले ना करें, कमेंट ना करो ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, हाँ ऐसे करके पढ़ोगे तो बेहतर दिखेगा, समझ गए ना। देखो ये चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ यहाँ पे, हर चीज़ में सिखाता हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें में मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो लगभग स्टूडेंट मोबाइल को रोटेट करके पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो यार कमेंट में दिक्कत होती है, अगर आप मोबाइल को रोटेट करोगे तो सारा कमेंट स्क्रीन पे आता है ना, सारा कमेंट स्क्रीन पे आता है तो स्टडी मटेरियल भी हाइड होता रहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कमेंट इस साइड में आ रहा है, मैं इस साइड बोर्ड छोड़ दूंगा, चलो टेंशन मत लो, मैं इधर लिखूंगा, इधर कमेंट जाता रहेगा, आप टेंशन मत लेना, दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड बहुत बड़ा है, अब मैं इधर लिखूंगा, मैंने यहाँ से फीडबैक खुद से ले लिया, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, सही रहेगा ना। हाँ सभी बच्चे फ़ोन ऐसे करके पढ़ेंगे जिससे उनको पूरा दिखाए, अच्छे से दिखे, क्योंकि जब आप लोग फ़ोन को घुमाते नहीं ना तो छोटा छोटा दिखता है, और फिर आप लोग कहोगे कि अच्छा नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें आपको सीखना है। तो इसमें ज़्यादातर संख्या ऐसे वालों की है। चलो
इसको लिख लिए कि नहीं लिखे, पूरा हुआ ना ये? क्या लिखाया था मैंने, अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ये कहानी हो गई पूरी भैया, चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, कमेंट लिखते समय टाइम बात मिस हो जाती है भैया, बात मत मिस करो, जो बोले उसको लिखते जाओ, चाहे कमेंट मत ही करो, कमेंट ना करो लेकिन लिखो, और हाँ लाइक जरूर करो, कमेंट मत करो, जिनको भी पढ़ना अच्छे से पढ़ो, कमेंट मत करो। चलो, घटाने में शून्य की तत्समकता, लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो बताना बस, घटाने में शून्य की तत्समकता, घटाने में शून्य की तत्समकता, लिखो भाई जल्दी करो, तत्समकता। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम पाँच में से जीरो को घटाएंगे बाबू तो ये क्या आएगा, पाँच आएगा भाई, कितना आएगा, पाँच आएगा। लेकिन अगर इसमें आप जीरो में से पाँच को घटाओ तो क्या आएगा, जीरो में से पाँच को घटाओ तो आपको पता है ये माइनस का पाँच आएगा, दोनों बराबर नहीं है ना। अब मैं पूछूंगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आप कमेंट मत करो, आप जानते हो ये माइनस में है, एक एक प्लस में है, दोनों बराबर नहीं है, क्या है, दोनों बराबर में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे नीचे, लिखो नीचे, लिखो स्पष्टीकरण में लिखो, अर्थात अर्थात घटाने की संक्रिया में, घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव नहीं है, घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक, तत्समक कैसे लिखोगे, ऐसे, ये तत्समक वहाँ लिखा हूँ ऐसे, हाँ अवयव, ये अनार वाला आ, वकील वाला वा, और यज्ञ वाला या, और फिर से बकुला वाला वा। हिंदी समझ में आ रही ना, ऐसे तो पढ़ते ना हम लोग। चलो, मोहम्मद फैज आपसे निवेदन है कि आप यहाँ कोई इंक्वायरी मत करिए, ऊपर नंबर दिया गया है, नीचे नंबर दिया गया, आप जाके वहाँ पूछो, जो भी पूछना है परेशान मत करो भाई। बेसिक मैथ की क्लास आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करके जाके देखो, PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करो, जाके देखो, यहाँ पे बातचीत ना करो। चलो अगला नंबर, चौथा नंबर डालो जल्दी करो, ये हो गया। अब अगला चौथा है, क्या है, सहचर नियम, घटाने की संक्रिया में सहचर नियम। एंजल साहू खाना खाकर पढ़ाते, नहीं भाई खाना नहीं खाए अभी, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे, अभी बन रहा है। घटाने की संक्रिया में लिखो, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण, लिखो साहचर्य प्रगुण, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण, जल्दी करो, जल्दी करो, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। अब ये बताओ, इसमें साहचर्य प्रगुण की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दो आप लोग, इसको लिख लिए, टाइटल लिख लिए ना, कमेंट देख रहे हैं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने में कमेंट देखने में दोनों नहीं हो पाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, साहचर्य प्रगुण समझना, ध्यान से समझना, ईमानदारी से देखो। जैसे मान लो मैंने तीन नंबर लिया, तीन पाँच सात, क्या क्या लिया भाई, तीन पाँच सात। अब हम सात में से पाँच घटा के इसमें से तीन घटाएं, हाँ ठीक, या फिर सात में से ये पूरा घटा के पाँच और तीन करें, ये बताओ क्या दोनों बराबर आएगा। अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जो फोन ऐसे करें ना वो ऐसे कर लें जल्दी से, और बताओ दोनों बराबर आएगा। अंजलि साहू आप परेशान मत होइए, क्लास जो चल रही है उसको आपके काम की नहीं है तो आप मत देखिए, आप जाके अपना पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, क्लास 11 बजे तक चलेगी, अभी सेकेंड सेमेस्टर वालों की भी चलेगी, दोनों बराबर है।
जो बच्चे हल कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं बराबर है, जो बच्चे नहीं हल करना जानते हैं, मतलब मैं भी कुछ बोलूं गधा वधा तब भी गड़बड़ है, यानी जो ईमानदारी से हल किए वो बोल रहे हैं नहीं, और जो नहीं किए वो बोल रहे हैं हाँ, तो भैया ये बराबर नहीं है, हल करके देखो, इसको हल करो, सात में से ये घटाओगे कितना, पाँच घटाओगे तो क्या आएगा, दो आएगा, और दो में से मैं पूरा हल कर देता हूँ, देखो इसको घटाओगे आपस में ब्रेकेट में दो आएगा, ब्रेकेट खोलोगे बाहर तीन है, बराबर माइनस एक आएगा, कितना आएगा माइनस वन आएगा ऊपर। नीचे की अगर बात करें, आप कोष्ठक खोलोगे कि नहीं खोलोगे बोलो, कोष्ठक खोलोगे ना, ये पाँच आएगा, पाँच कैसे आएगा भैया, इसमें से घटा लोगे तो कितना आएगा दो, यानी सात में से दो घटाओगे पाँच आएगा, कहाँ बराबर है बोलो, दोनों कहाँ बराबर है, दोनों बराबर तो नहीं है ना, इक्वल नहीं है ना, तो फिर आप काहे कह रहे हो इक्वल है। डिजिटल बोर्ड लगवाने में भैया कौन है स्टडी वाले गुरुजी, डिजिटल बोर्ड लगवाने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे, अगर आप मिनिमम एक नॉर्मल, मतलब जितना बड़ा मैं लगाया हूँ इतना बड़ा तो नहीं लगेगा, छोटा लगवाएंगे कम से कम 2 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख कम से कम बोर्ड का और 1.5 लाख कैमरा का, यानी 3.5 लाख रुपए होने चाहिए तब डिजिटल वाला बनेगा सिस्टम। हाँ, और जो स्टूडेंट फिलहाल बहुत सारा कमेंट करते हैं कि मार पैसा लूट रहे कम रहे, तो अब उन्हीं से मांगने वाले हम, समझ गए ना डिजिटल बोर्ड वाले। चलो हाँ बिल्कुल मोहम्मद फैज बिल्कुल फ्री होंगे, लेकिन अभी आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पे कमेंट ना करिए, परेशान मत होइए। हाँ चलिए इसमें लिखो स्पष्टीकरण, लिखो स्पष्टीकरण लिखो इसमें। हाँ नीचे एक बात ऐसे भी कर लो आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लो, यहाँ पे लिख लो, चूँकि 7-5-3 हाँ इक्वल करो पहले, फिर बाद में बताऊँगा, 7 माइनस ये 5-3 ये डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, इसको काट दो, पहले बराबर लगाओ फिर काट दो। हाँ इतना कर लो, इतना कर लो। देखो अभी एक लोग को मैंने बताया कि डिजिटल बोर्ड में 3.5 लाख लगेंगे, और इसी में अभी सब फ्री क्लास वाले भी खोज रहे हैं कि फ्री मिल जाए तो ठीक है। चलिए ठीक है, कोशिश होगी फ्री ही देने की। अब नीचे लिखो, अर्थात घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। नीचे स्पष्टीकरण में लिखो, अर्थात अर्थात घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है, अर्थात घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। तो ये हो गए, चौथा हो गया घटाने की संक्रिया का साहचर्य नियम। तो भैया इस तरह से आपका ये घटाने वाला हो गया पूरा, जोड़ने वाला पूरा हो गया। अब आप टाइटल बदलो, चलो ऊपर टाइटल बदलो आप सभी, चलो जल्दी करो। अब लिखो पूर्ण संख्याओं पर, देखो कैसे लिखा है वैसे बताऊं नहीं तो कहेंगे किताब से तो मिले नहीं रहा है। पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण, मुख्य हेडिंग में आप बी नंबर जहां लिखे थे अब अगला जगह नीचे सी लिखो, ये मैं तो मिटा दे रहा हूं, आप पन्ने में मत गोचना। हाँ पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण लिखो जल्दी भाई, सभी लिखो जितने बच्चे हैं, सी नंबर डालो इसे, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो मैं बोल रहे हैं, यहाँ पे तो पर लिखे थे, तो मैं पेपर आप लिख लो जो भी समझो। चलो हो गया ना इतना, आज बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, आज सब नानी के यहाँ गए हैं, नानी के यहाँ गए हैं, कल आ जाएंगे सब पढ़ेंगे। फिर लिखो गुणन का संवरक प्रगुण, लिखो पहला लिखो गुणन का संवरक प्रगुण। कोई पढ़ना कहाँ जाता है, पढ़ना नहीं चाहते ना, बस रोजगार चाहते हैं, सिर्फ रोजगार चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और रोजगार में भी सामना करना पड़े वही चाहते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है जो यहाँ पे ऐसे नालायक पैदा हो रहे हैं। बुक से तो वैसे भी नहीं आता एग्जाम में, अंजलि पाल जी बिल्कुल बुक से तो नहीं आता, लेकिन सिलेबस तो हमें बुक से ही पढ़ना होगा ना। इसको लिखा आप लोगों ने गुणन का संवरक प्रगुण, जल्दी जल्दी करिए जिससे ये पूरा हो जाए।
अब देखो संप्रगुण समझना आप सभी, हाँ समरक प्रगुण समझना। समरक प्रगुण का एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दूं। जैसे मैंने कल बताया था, अगर कुछ बच्चों को याद हो, इंटरनेट थोड़ा लुप दुप कर रहा है का, कल मैंने बताया था ना कि चूहा से चूहे पैदा होते हैं, बिल्ली से बिल्ली पैदा होती, कभी चूहे से शेर नहीं पैदा होता ना। तो उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें भी वही कुछ है। देखो कैसे, जैसे 7 का 8 में गुणा करो तो 56 होगा, भैया 3 का 5 में गुणा करो 15 होगा। समरक प्रगुण का मतलब समझो क्या होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का मल्टीपल करते हैं तो जो आता है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे ऐसे समझ लो, आज के जो ये विषैले ज़माने में जातिवाद का माहौल घोला गया उसके अकॉर्डिंग समझ लो, तो अगर कोई व्यक्ति शुक्ला है तो उसके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो शुक्ला ही होगा, उसका नाम के टाइटल में आगे दूसरा कुछ नहीं लगाएंगे। मत जैसे सिंह लगा दिए, यादव लगा दिए, पटेल लगा दिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ दूसरे घर से शादी कर ले, बदल ले अपना, वो अलग बात है। तो ये समझ गए ना, यहाँ से ऐसे समझ लो कि पूर्ण संख्याओं का जो समरक प्रगुण है गुणन के लिए वो लागू होता है। अस्ति नीचे स्पष्टीकरण लिखो आप लोग, स्पष्टीकरण लिखो। दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद प्राप्त पूर्ण संख्या, प्राप्त गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात पूर्ण संख्याएं, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के समरक नियम का पालन करती हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के समरक नियम का पालन करती हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए समरक नियम का पालन करती हैं। हो गया ना इतना। देखिए अभी अभी कोई कमेंट किया कि पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे ऑफलाइन कोचिंग खोल दो अगर बड़ी सी हाई फाई, तो वहीं जाएंगे जहां एसी लगी होगी, बेंच सीट एकदम चमचमाती होगी, वहां सब अच्छे खूब बढ़िया फैशन में आते होंगे, चाहे आधे नंगे आधे कपड़े में आते होंगे लेकिन फैशन में आते होंगे, वहां पर ज़्यादा बच्चे जाएंगे। जहां पे अभी देखो नॉर्मली वैसे खुल गया, मतलब पंखा वगैरह लगा है, एसी वगैरह नहीं लगा है, पुराने ज़माने की बेंच रखी, वहां बच्चे कम जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है। हकीकत यही है ना, आजकल के बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नाम मात्र के हैं, सिर्फ नाम मात्र के हैं। आप लोगों को जानकर एक आश्चर्य होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा, जो बड़ा चैनल चलाते हैं उनको मालूम होता है, गूगल एक कीवर्ड का ऑप्शन देता है, मतलब कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च होते हैं, कौन से कीवर्ड गूगल और यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च होते हैं। तो ये समझ लो गूगल पे 90% जो है गंदी सामग्रियाँ सर्च होती हैं, गंदी मतलब आप समझ सकते हो, गूगल पे और यूट्यूब पे सिर्फ 10% एजुकेशनल मटेरियल लोग सर्च करते हैं, 10% बस, सिर्फ 10%। ये अपने यहाँ का इंडिया का सिस्टम है, 90% जो लोग सर्च करते हैं वो वही सर्च करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इसमें से भी काफ़ी लोग होंगे लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे अभी, है ना। तो ये कंडीशन है, चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल हमें लोग को तो यही करना है। चलिए अगला क्या है, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो भाई प्राइमरी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम में समझो, क्रम बदल के देखते हैं क्या होता है।
वैसे ये सब का पालन करेगा, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम विनिमय नियम में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप करके देखो, चलो देखो, जैसे अगर 3 का 5 में गुणा करें भाई तो क्या आएगा, 15 आएगा, लेकिन अगर हम 5 का 3 में गुणा करें तो क्या होगा, तब भी ये 15 ही होगा, तब भी क्या होगा, 15 ही होगा। हाँ, आज बस लिखना ही है और फटाफट लिखे रहो, हाथ बढ़ा के लिखे रहो जल्दी जल्दी से। 4 5 20 और 5 का 4 में गुणा करो तो कितना होगा, 20। और जो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पाइप भी रखी है, बहुत मार पड़ती है इससे, देख लो ये रखी है, ये रखी है, उस दिन दिखाया था ना, ये पर्दा लग रहा था उसमें से बची हुई थी। पहले ऐसे जब हम वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वहाँ पे एक प्लास्टिक की पाइप थी छोटी सी, उससे बच्चों को मारते थे तो बच्चे अपने घर शिकायत करते थे, कहते थे कि भैया ये तो जानवर जैसे मारते हैं, कट कट जाता है। लेकिन जब बच्चे नहीं पढ़ते ना तो उनको पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन में तो यही मजा है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो ना, ऑफलाइन में लेकिन क्या होता है, ऑफलाइन में धुनाई भी हो जाती है, इसमें नहीं लिखोगे तो कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं खून नहीं करना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए अनंत पांडे जी, वो ये बंदर भगाने के ही काम आता है, ये बंदर भगाने के ही काम आता है। चलिए ये हो गया, आप इसको देख लिए, 3 का 5 में गुणा करो, 5 का 3 में बराबर है। इधर भी देखो, मैंने सीरियल बदला, नंबर पहले किया बाद में किया, अदला बदली किया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो नीचे स्पष्टीकरण में लिखो, नीचे स्पष्टीकरण में लिखो, हम देखते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम बदलने से, हम देखते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने से उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम देखते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने से उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। हो गया, नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे कर लो और चुपचाप जल्दी से लिख लो भाई सभी बच्चे, और आपका टाइम आज ये ओवर हो जाएगा, लेकिन हम इसको ओवर नहीं होने देंगे, जल्दी से इसको पूरा कर लो जिससे कल हम आगे चलें। फटाफट अब थोड़ा 80 के स्पीड में बढ़ो, अभी तक धीरे धीरे थे ना, आप लिखो शून्य का प्रगुण, लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि आज इसको ख़त्म करना भाई, जल्दी जल्दी से लिखो। अगला लिखो शून्य का गुणन प्रगुण, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शून्य का गुणन प्रगुण, टाइम ओवर हो रहा है, बहुत कम समय बचा है, शून्य का गुणन प्रगुण लिखो। देखो शून्य का शून्य गुणा करो, शून्य होगा, हाँ शून्य का 5 में करो तो 5 होगा, नहीं होगा 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा शून्य ही आता है, क्या आता है, हमेशा शून्य ही आता है। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, काहे को परेशान किया भाई। हाँ आगे लिखो, पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। नीचे लिखो स्पष्टीकरण में, पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ये हो गया गुणन वाला, शून्य वाला हो गया। अगला तत्समक देख लो भाई, तत्समक में वही ये वन आ गया, तत्समक में देखो, इसमें चौथा डालो, चौथा लिखो गुणन का तत्समक आयो, गुणन का तत्समक आयो, आयो लिखो इसमें। देखो अब अगर एग्जाम जल्दी होंगे तो हम थोड़ा शॉर्टकट कोर्स करवाते हैं, क्योंकि ये सीरियल वाइज अगर सिस्टम से पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होने वाला, जल्दी करो। तत्समक आयो में आप देखो, अगर हम 1 से मल्टीपल करें किसमें, किसी भी नंबर में, तो आप देखो वही नंबर आता भाई, 1 से मल्टीपल करो किसी भी नंबर में, हमेशा वही नंबर आएगा, बोलो आएगा ना, अभी मैंने पिछली बार भी समझाया था थोड़ा देर पहले। तो नीचे लिखो, पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर, पूर्ण संख्याओं में से
किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। बिल्कुल आएंगे टेस्ट लेके, टेस्ट वाला भी सिस्टम बनेगा, जल्दी ही बनेगा। लेकिन आज का टाइम जो है काफ़ी ओवर हो गया है, लेकिन इसमें अभी एक और बच्चा है, मैं उसको भी करवा देता हूँ। भैया कितना है यार, ये ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला, अभी कहिए उठिए भाई, एक और लिख लो आप लोग, संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण भी लिख लो, ये ख़त्म हो जाए किसी तरह से लिखो, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। जिनको जाना है वो चले जाएं चुपचाप। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, जाने दो कल करवाएंगे, छोड़ो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग इस नंबर को नोट करके रखें, इस पर व्हाट्सएप पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेज दें, इस नंबर की व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहें, उनको क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। और जो सारी क्लास चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप सभी बच्चे स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। हाँ, सभी बच्चे PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आज तक जितनी क्लास चली सब भेजी गई है, और जो चलेगी वो भी सब भेजी जाएगी, बाकी व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप में अभी जुड़ोगे अगर आप ग्रुप में, तो जो आज के बाद क्लास आएगी सिर्फ वही मिलेगी। लेकिन टेलीग्राम में क्या होता भैया, उसमें जो पहले क्लास भेजी गई होती है वो भी रहती है। टेलीग्राम अलग प्रकार का एक सिस्टम होता है, वो भी एक चैटिंग मैसेंजर ऐप है, व्हाट्सएप की तरह चलता है, लेकिन उसमें वो वीडियो कॉल वगैरह और उतना फीचर नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सभी क्या करें, ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम फिर से आ रहे हैं 5 मिनट में फोर सेमेस्टर वालों के लिए। हाँ, फोर सेमेस्टर वालों के लिए हम फिर से आ रहे हैं, जल्दी से आप लोग आ जाओ बस 5 मिनट के अंदर।